नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। चले शुरुआत करते हैं जिले भर की खास खबरों की। इस वक्त की खबर नीमच से, जहां नीमच में रासुका की कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश में नीमच की सबसे बड़ी सफलता रही है, जहां मिलावटखोरों के खिलाफ 3 रासुका की कार्रवाई नीमच पुलिस प्रशासन द्वारा की गई थी, जिसमें 3 ही कार्रवाई को एडवाइजरी बोर्ड जबलपुर ने स्वीकृति दी। मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर नीमच पुलिस प्रशासन ने जिले में 3 रासुका की कार्रवाई करी और तीनों ही रासुका की कार्रवाई को लेकर एडवाइजरी बोर्ड जबलपुर ने स्वीकृति प्रदान करी। इस वक्त की सबसे बड़ी सफलता, जहां मध्य प्रदेश के नीमच की पहली रासुका की कार्रवाई है, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा की गई तीनों ही रासुका की कार्रवाई को सही बताया गया और एडवाइजरी बोर्ड जबलपुर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सबसे बड़ी नीमच पुलिस प्रशासन की सफलता इसको कह सकते हैं, जहां बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से कलेक्टर अजय गंगवाल व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर 3 रासुका की कार्रवाई जिले में की गई है। पहली बड़ी कार्रवाई बालूचंद हुक्मीचंद फर्म के प्रोपाइटर मोहित गर्ग के खिलाफ मिर्ची में मिलावट के अवैध कारोबार को लेकर की गई थी, तो वहीं दूसरी रासुका की कार्रवाई धनिया पॉलिश के जहरीले कारोबार को लेकर मनीष अग्रवाल के खिलाफ की गई थी। साथ ही तीसरी रासुका की कार्रवाई मनासा के रामपुरा में लादूराम गुजर डेयरी संचालक के खिलाफ की गई थी, जहां बड़ी मात्रा में साथ ही मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त अभियान नीमच में लगातार चलाए जा रहे हैं और कई और रासुका की कार्रवाई भी जिले में देखने को मिल सकती है। देखिए, हम लोगों ने जो रासुका में केसेस भेजे थे, 3 केस भेजे थे, एक लादूराम का केस भेजा था, एक मनीष अग्रवाल का भेजा था, एक मोहित गर्ग का भेजा था। तीनों ही केसेस में जो उनका एडवाइजरी बोर्ड है उसने उसको कन्फर्म किया है रासुका को, और उसके तहत ये तीनों अभी सेंट्रल जेल में बंद है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रदेश में नीमच में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है और नीमच जिला एकमात्र जिला है जिसके की रासुका को एडवाइजरी बोर्ड ने अप्रूवल दिया है, जो मेरी जानकारी में है। सर, बेसिकली रासुका को आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसा माना जाता है सर। देखिए, रासुका का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ये बहुत ही सीरियस एक्ट है, जिसमें कि अपराध घटित करने के बाद के पहले जब आप अपने आपने कोई अपराध घटित किया है लेकिन कोर्ट में आपका सज़ा नहीं हुई है, उसके पहले इस अप्रिहेंशन में हम उसको जेल में भेजते हैं कि अगर वो खुले में रहेगा तो वो और अधिक अपराध घटित करेगा, जिससे कि मानव जीवन को या लोक शांति को उसको खतरा है। सर, ठीक है, कोई मिलावट के मामले आते हैं उनमें भी कार्रवाई की आशंका है? देखिए, मिलावट में हम लोगों ने बिल्कुल हमने और पुलिस ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि ऐसे प्रकरण में, ऐसे केसेस में जिसमें कि किसी ने रिपीटेड ऑफेंडर है और वो लगातार ऑफेंस कर रहा है और उसके जो टेस्ट आ रहा है उसमें वो असुरक्षित पाया जा रहा है, अगर असुरक्षित है और रिपीटेड ऑफेंडर है तो ऐसे केसेस में हमने NSA लगाया है, क्योंकि ये न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि ऐसे हज़ारों लाखों व्यक्तियों के स्वास्थ्य को साथ खिलवाड़ है।